नव युवकों का अब इंतजार खत्म हुआ, आ गई है यूपी पुलिस की भर्ती। और यूपी पुलिस से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में, जो भी आपके कन्फ्यूजन हैं वो सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो के बाद दूर हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर, और मैं लकी सर आपको बताने जा रहा हूँ यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है आपके, वो सारे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस भर्ती में जो भी कुछ नोटिफिकेशन है, जो भी कुछ आपको गलत फहमियाँ हैं, जो भी आपको गलत न्यूज़ मिली है, वो सारी गलत न्यूज़ का कन्फ्यूजन आपके दिमाग से हट जाएगा। मैं सर्फ एक्सल लेके आया हूँ, आपके दिमाग को बिल्कुल वाश कर दूंगा, और इसके बाद आपको जो सही जानकारी होगी उसके अकॉर्डिंग, उसमें जो भी लड़के नोटिफिकेशन के दायरे में आते हैं, जो भी उसके रूल्स के दायरे में आते हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा, जो भी न्यूज होगी वो मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा। लेकिन आप लोगों को पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ, कुछ वीडियो प्राइवेसी लगा कर पोस्ट करता हूँ। तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं यूपी पुलिस की भर्ती स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जब तक भर्ती फाइनल नहीं हो जाती है तब तक जो भी परेशानी होगी, जो भी न्यूज होगी, वो सारी परेशानियां, वो सारे कंफ्यूजन मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व करता रहूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप लोग ये जान लीजिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 60,244 पोस्ट के लिए यह भर्ती निकली हुई है। 60,244 भरी जाएंगी। तो यूपी पुलिस के जो यूपी के अंदर के बालक हैं वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग काउंट किए जाएंगे, और जो यूपी स्टेट के बाहर के बच्चे अप्लाई करेंगे वो जनरल के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं, यूपी के अंदर के लोग भी और यूपी के बाहर के लोग भी। तो यहाँ पर आप बस कैटेगरी के अकॉर्डिंग काउंट नहीं किए जाएंगे यदि आप यूपी के बाहर के हैं। तो इसके बाद में आप देख लीजिए, यूपी पुलिस की जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी वो 23 दिसंबर 2023 को रिलीज की गई थी। 23 बारह 2023 को इसकी नोटिफिकेशन आ गई थी, और यूपी पुलिस का फॉर्म ऑनलाइन करने की जो डेट निर्धारित की गई है वो 27 बारह 2023 से जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं, वो लोग अपना फॉर्म 27 बारह 2023 से ऑनलाइन करना शुरू कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी 2024। तो 16 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है, जो डेट है एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करने की, वो भी 16 जनवरी 2024 तक है। 16 जनवरी 2024 तक ही आप इसकी फ़ीस भी जमा कर सकते हैं। और इसकी जो करेक्शन की डेट है वो करेक्शन के लिए 2 दिन का समय दे दिया गया है। आप 18 जनवरी 2024 तक इसके फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, फॉर्म को सही कर सकते हैं। और इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो अभी निर्धारित नहीं की गई है। एग्जामिनेशन महीना निर्धारित है, फरवरी में एग्जाम होना है 2024 में। तो 2024 फरवरी में एग्जाम आपका होगा। इसके बाद जो एडमिट कार्ड हैं वो एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले ही डाउनलोड किए जाएंगे, समथिंग 3 दिन 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएंगे एग्जाम से। तो मतलब एग्जाम से पहले आने हैं तो फरवरी में ही आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। अब हम लोग इसकी फ़ीस देख लेते हैं। तो इसकी जनरल और ओबीसी की जो फ़ीस निर्धारित की गई है वो 400 रुपये, और एससी एसटी की भी फ़ीस 400 रुपये। मतलब फ़ीस में कोई भी डिस्काउंट नहीं है, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई फ़ीस कम ज़्यादा नहीं है, हर कैटेगरी के लिए सेम फ़ीस है। या वो मेल हो, फीमेल हो, या किसी भी कैटेगरी का हो, उसको 400 रुपये फ़ीस पेड करनी ही होगी। और वो फ़ीस कैसे पेड करनी होगी, उसके लिए दिया गया है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ई चालान बनाकर भी आप फ़ीस को जमा करवा सकते हैं। तो ये तो आपकी फ़ीस हो गई। इसके बाद देख लीजिए,
इसमें अगर एज की बात की जाए तो एज 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी, और जो एज इन्होंने मांगी है यूपी पुलिस के फॉर्म के लिए वो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 22 साल मांगी है। ये मेल के लिए मांगी है, ये लड़कों के लिए एज मांगी गई है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल। और जो फीमेल के लिए, जो लड़कियों के लिए एज निर्धारित की गई है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल एज निर्धारित की गई है। इसमें जो एज रिलैक्सन मिलेगा, जो छूट दी जाएगी, वो रूल्स के तहत होगी, वो नोटिफिकेशन में जारी की जाएगी कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उसमें वो लिखा होगा कि ओबीसी के लिए कितनी एज की छूट दी जाएगी और जनरल के लिए कितनी एज की छूट दी जाएगी। तो जनरल के लिए कोई छूट अपने यहाँ निर्धारित नहीं होती है, इसलिए ओबीसी और एससी एसटी के लिए क्या एज में छूट मिलेगी वो सारी चीज़ें उस समय आपको पता चल जाएंगी जब आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे होंगे। तो मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे किया जाए इसका भी वीडियो बनाकर इसी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करूंगा, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो मैं प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं। तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसके बाद देख लीजिए इस यूपी पुलिस के फॉर्म में जो पोस्ट मांगी गई है, वो जो पोस्ट है वो है 60,244, मतलब 60,244 पद के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है वो क्वालिफिकेशन है 10+2, मतलब इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट होना चाहिए, वो सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, मतलब किसी भी एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जो भी मान्य है, जो भी लीगल बोर्ड हैं उनके बोर्ड से अगर आपने क्वालिफिकेशन किया है तो आपकी सर्टिफिकेट मान्य होगी। और इसमें टोटल पद मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें 60,244 पद हैं। कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, इसमें 62,000 पद बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत न्यूज है। इसमें 60,244 पद के लिए ही ये वैकेंसी आई हुई है। तो 60,244 पद भी बहुत होते हैं और इसके लिए आप लोगों को एक कड़ी मेहनत करनी होगी, अच्छे से प्रयास करना होगा और अभी से बिल्कुल प्रयास में लग जाइए, जिससे फरवरी में एग्जाम के समय तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और आप उस एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकें। इसके बाद में देख लीजिए इस यूपी पुलिस के फॉर्म में जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं वो भी आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें जनरल के लिए 24,102 पद हैं। जनरल, जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो 24,102 पद हैं, और जो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 16,264 पद निर्धारित किए गए हैं। कुछ ईडब्ल्यूएस, मतलब इकोनॉमिकल वीक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जिनके पास ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट है, उनके लिए 6,024 पद निर्धारित किए गए हैं। और जो एससी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 12,650 पद निर्धारित किए गए हैं, और जो एसटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 1204 पद निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल मिलाकर आपके पास 60,244 पद हैं जिसके लिए आप लोग एग्जाम देंगे, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वो टोटल पद 60,244 हैं। तो कैटेगरी वाइज भी आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी होगी, तभी आप कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। इसके बाद में देख लीजिए यूपी पुलिस के फॉर्म में जो फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसको भी ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेल कैंडिडेट, मतलब लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ कि उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये जो 168 सेंटीमीटर है ये जनरल ओबीसी और एससी के लिए है, और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और इसी के साथ में जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनकी हाइट
152 सेंटीमीटर मांगी गई है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो लड़कियां एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, उनके लिए 147 सेंटीमीटर है। फिर से आप लोग समझ लीजिए, जो जनरल ओबीसी और एससी के अंतर्गत हैं उनकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए, लड़कों के लिए, और जो मेल एसटी के अंतर्गत आते हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, और लड़कियों के लिए जो जनरल ओबीसी एससी के अंतर्गत आती हैं उनकी 152 सेंटीमीटर है, और लड़कियां जो एसटी के अंतर्गत आती हैं उनकी 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और चेस्ट की अगर बात की जाए तो चेस्ट 79-84 चेस्ट मांगा गया है जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए, और जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी बात की जा रही है, ये सिर्फ चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए ही मान्य है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए चेस्ट क्या मान्य नहीं होता है, उनके लिए चेस्ट की कोई डिमांड रखी नहीं जाती है यूपी पुलिस के फॉर्म में। और जो मेल कैंडिडेट हैं एसटी के अंतर्गत आते हैं उनका चेस्ट 77-82 सेंटीमीटर मांगा गया है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी जो एसटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए चेस्ट की कोई भी डिमांड नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं रनिंग की, तो रनिंग में जो मेल कैंडिडेट हैं वो चाहे ओबीसी के हों, जनरल के हों, एससी के हों या एसटी के हों, उनकी 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, मतलब 4.8 किलोमीटर की दौड़ उन्हें 25 मिनट में कवर करनी होगी। और लड़कियों के लिए अगर देख लिया जाए, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए देख लिया जाए, तो 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट, मतलब 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर की रेंज कवर करनी होगी। 2.4 किलोमीटर आपको 14 मिनट के अंदर ही आना होगा, 14 मिनट के अंदर ही आपको 2.4 किलोमीटर की रेंज कवर करनी होगी। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी रनिंग की। उसके बाद में देख लीजिए, यूपी पुलिस का जो फॉर्म भरने का लिंक है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस फॉर्म ऑनलाइन एक्टिवेट जब होगा, 27/12/2023 की वो डेट दी हुई है, 27/12/2023 को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, 27/12/2023 से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी यूपी पुलिस से रिलेटेड फॉर्म की। यदि आपको कोई और जानकारी यूपी पुलिस से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, आपका भाई है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको बताने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, यूपी पुलिस का फॉर्म ऑनलाइन फिल कैसे किया जाएगा वो भी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल में बताऊँगा, और एक सिंपल तरीके से बताऊँगा। जैसा कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं कि मैं बिल्कुल सिंपल विधि से फॉर्म को फिलअप करना बताता हूँ, और मेरा पुराना जो चैनल था वो 5 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, वो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। वैसे ही प्यार आप इस भी मेरे चैनल पर दिखाइए, और वैसे ही मैं इसमें भी मेहनत करूँगा और आप लोगों की मदद करता रहूँगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस की शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो मैं अपने इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपकी मदद करता रहूँगा। और आप लोगों को पता है कि मैं सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ, कुछ वीडियो मैं प्राइवेसी लगा कर पोस्ट करता हूँ, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।